हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि सिंह, shiftingbazaar.com की मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइस, आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि पैको मूवर्स को क्यों सेलेक्ट करें और कैसे सेलेक्ट करें। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, मार्केट में फ्रॉड होना बहुत ही आम बात हो चुकी है, तो इसलिए हमें पैको मूवर्स कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस फ्रॉड से बच सकें। फ्रॉड से बचने के लिए हमें पैको मूवर्स कंपनी की तीन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और तीन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमें उनका कोटेशन चेक करना चाहिए, हमें उनका फीडबैक देखना चाहिए और हमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए। अब हम कोटेशन की बात करते हैं, तो कोटेशन देखने के लिए आप कंपनी के तीन कोटेशन अलग अलग कंपनी के कंपेयर करें और आप उनमें देखें कि किसमें क्या टोटल कोटेशन प्राइस क्या है और फिर उनको कंपेयर करें। और अब हम बात करते हैं फीडबैक की, तो फीडबैक के लिए हम कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं। अगर कोई वहाँ से ऑलरेडी सर्विस लिया हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, या फिर हम रिव्यू देख सकते हैं, हम उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं, तो ऐसे हम उनका फीडबैक ले सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप उनका जीएसटी नंबर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उनका जीएसटी नंबर जो वो आपको दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं। और सेकंड वन इज़ आप उनका कैंसिल चेक ले सकते। तो अब मैं बताती हूँ कि आप उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी फ्रॉड है या रियल है या वो सही काम करती है कि नहीं। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप उनका जीएसटी नंबर मांगिए और उसको ऑनलाइन चेक करिए। अगर वो आपको जो जीएसटी नंबर वो आपको सही दे रहे हैं कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकेंड वन इज़ आप उनसे कैंसिल चेक की डिमांड कर सकते हैं, तो उससे भी आप क्लियर हो जाओगे कि कंपनी फ्रॉड है या रियल कंपनी है। और थर्ड वन इज़ आप उनसे जो व्हीकल आपके सामान को शिफ्ट करने के लिए आएगी उस व्हीकल का आप आरसी बुक ले सकते हैं, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं फ्रॉड से बचने के लिए। जैसे कि आप जो व्हीकल लेकर वो आएंगे आपके सामान को मूव करने के लिए, तो आप उसका फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप अपने सारे सामान का फ़ोटो ले लें। और आप उनसे आधार कार्ड या पैन कार्ड की भी डिमांड कर सकते हैं कि जैसे वो अगर आपका सामान लेके जा रहे हैं तो कहीं वो भाग ना जाए, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी ऐसा है तो आप उनसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए बोल सकते हैं। और अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करें, आप एक साथ पूरा पेमेंट ना कर दे, जैसे आप 50% या 25% पेमेंट कर दें, बाकी आप काम होने के बाद पूरा पेमेंट दें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फ्रॉड कंपनियों से बच जाएंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी हो और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई फ्रॉड कंपनी या कुछ ऐसा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप कैसे फ्रॉड कंपनी से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप repairbazaar.com पे रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।